जब भगवान का छठी पूजा तो यशोदा मैया ने उनका 100 वर का लंगोटी यहीं धोया था यशोदा कुंड में। अच्छा। और आज भी जब गोकुल में किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता बहनें यहीं कपड़ा धोती हैं छठी का। अच्छा। यशोदा कुंड में सामने जो दो वृक्ष कदम के ये बाउंड्री पार बने, अपने गज में 24 बने, 12 वन यमुना के इधर साइड है और 12 वन पल्ली साइड है। यहाँ मधुवन और मावन है, सबसे बड़ा वन वृंदावन है और यहाँ मधुवन और मावन है जो कृष्ण भगवान ने गाय चराया है। भगवान यहीं अपना गाय चराते थे मधुवन और मावन में। 2 कदम सामने और 1 कदम अपने ऊपर है, यहाँ बैठ के भगवान ने बंसी बजाया था तो उनका नाम बंसी वाला यहीं से पड़ा था। बोलिए बंसी वाले भगवान की जय। यहाँ 2 चीज़ का विशेष ध्यान रखना, एक तो हंसने का और एक जय बोलने का। हंसना यहाँ ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि यशोदा मैया के यहाँ 60 साल में बधाई हुआ था तो पूरा गोकुल गांव हंसा, भक्त हंसा। भगवान कहते हैं जो भी भक्ति यहाँ आके हंसेगा वो घर जाके बसेगा और मेरे दिल में बसेगा। बोलिए राधे 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 राधे। एक बार हाथ ऊपर कीजिए और हंसिए। अब ऐसा यहाँ माथा लगाइए, यहीं से आपका यात्रा शुरू हो। ये जो द्वार है ना, हाँ जी, ये गोकुल का पहला द्वार है। अच्छा। इसको नंद द्वार कहते हैं। कन्हैया का जन्म हुआ मथुरा जेल में जी, कंस के कारागार। जब उनके पिताजी उनको लेके आए ना रात को 12 बजे तो सबसे पहले यमुना नदी पार किया और यमुना जी ने ही सबसे पहले चरण स्पर्श किया था भगवान का। इसी रास्ते से लेके आए थे जी। भगवान को उनके पिताजी ये पहला द्वार पड़ा था नन्द द्वार जी। ये गोपाल गौशाला है, कहते हैं मथुरा की लड़की और गोकुल की गाय, कर्म फूटे तो बाहर गाम जाए। मथुरा का जो चतुर्ण लड़की है। अच्छा। तो मथुरा में शादी करते हैं। अच्छा। अगर बाहर जाता है तो कहते हैं कर्म फूट गया, जो व्रत से बाहर चला गया। अच्छा। गोकुल का गाय गोकुल में ही रहता है, यहाँ भगवान के समय से गाय बेचा नहीं जाता, यहाँ अंडा शराब प्याज लहसुन ये कोई चीज नहीं बिकता। अच्छा, ठीक है सब कुछ। हाँ, कोई भी चीज ना गाय बिकता है। जब औरंगजेब समय था मुगल शासन तो औरंगजेब ने सारे हिंदुओं का मंदिर तोड़वाया, तो औरंगजेब यहाँ भी मंदिर तोड़ने के लिए आया था तो भगवान ने उनको आंखों से अंधा कर दिया औरंगजेब। अंडा शराब प्याज लहसुन यह पूरा गांव के अंदर नहीं बिकता। ये जो भजन हो रहा है ना, जो कृष्ण की भक्त थी मीराबाई वो यहाँ भजन करती थी। ये मीरा भजनाश्रम है, यहाँ आज भी माता बहन 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम भजन करती है। अच्छा। जो असहाय माँ हैं जिनका कोई नहीं है, अनाथ माँ है, वो यही भजन करती है। यहाँ पहले पूरा गांव का खर्चा नंद बाबा उठाते। और ये गीत।